राज्यपाल के अभिभाषण में जो है वो सरकार का जो विजन है वो रखा गया है। मेरे साथ जो है वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और तो शाम से विधायक किरण चौधरी हैं। मैम, राज्यपाल का ये अभिभाषण जो है वो पेश हुआ है और 12 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, आपने इसके ऊपर सरसरी तौर पर देखा है, क्या सरकार ने अपना विजन रखा है? बड़ा दुख हुआ देखकर कि 14वीं विधानसभा के अंदर इस तरह का जो है जल्दबाजी के अंदर इस तरह का 12 पेज का इन्होंने जो ये अभिभाषण हमारे गवर्नर साहब का रखा है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ें कोई ठोस बातें हैं ही नहीं। जो इन्होंने वायदे करें, इस बारी 260 वायदे इन्होंने करें इनके घोषणा पत्र में, पिछली बार 154 थे, इस बारी 260 हो गए वो वायदे बढ़ के। और फिर इनका जो सहयोगी दल है उनके अलग से उनके वायदे हैं। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर जब इन्होंने गठबंधन करा, जब ये बात हुई थी कि सबसे पहले ये काम करे जाएंगे, तो मैं हैरान हूँ ये देखकर कि किसानों के मुद्दे हैं और किसान आज जो है बुरी तरह से कर्जा के अंदर डूब रहा है, उसकी खुदकुशी करने के कगार पर आ गया है। किसान के कर्जा माफ़ी की कहीं बात ही नहीं, कोई किसी तरह की कोई चर्चा ही नहीं है। साथ ही साथ आपने देखा ये बासमती की और ये जो कॉटन की प्राइसेस हैं कितनी बुरी तरह से पिट रही हैं। इस ये जो है जितना 3500 क्विंटल प्रति क्विंटल जो बिका करता था वो 2800 के ऊपर आ गया है, तो 700-800 रुपए का नुकसान जो है प्रति क्विंटल जो है किसान को हो रहा है। कोई भी इस तरह से कि किस तरह से किसान की तकलीफ़ों को उनकी मुश्किलों को निजात दिलवाया जाएगा उसके अंदर कोई चर्चा ही नहीं है, सारा गोलमोल करके सारी की सारी बात रखी हुई है। दूसरी बात जो है इन्होंने कही कि सरकार बनते ही हम 5100 पेंशन देंगे, उसकी भी कहीं बात ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये वायदे सारे के सारे, फिर रोज़गार के मसले में आज के दिन आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जो है सारी जगह हावी है। और इन्होंने ये बात कही, JJP वालों ने ये बात कही कि 75% बेरोज़गार युवकों को उनको जो है हरियाणा की इंडस्ट्री के अंदर रोज़गार देंगे, तो उसकी भी कोई चर्चा नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई जिक्र तक नहीं है। तो आप किस तरह से जो है हमारे बेरोज़गार बच्चे जो हैं उनको किस तरह से निजात दिलाओगे? उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो बेरोज़गार हैं उनको 11,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी बेरोज़गारों को, उसका भी कहीं जिक्र नहीं है। तो ये सारी के सारे वायदे जो हैं ये केवल खोखले वायदे स्पष्ट नज़र आ रहा है। मेडिकल कॉलेज पिछले 5 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज का जिक्र था कि हर जिलों में बनाएंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है, वो भी सारा ख़त्म हो गया, काम वहीं के वहीं ख़त्म। फिर पोल्यूशन जो है आज के दिन पराली जो है इससे जलने से आप जान रहे हो कि किसान को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रताड़ित करा जा रहा है, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं ये फाइन लगाए जा रहे हैं। तो आप सरकार आप इसके विजन के इसके ज़रिए आप बताती कि हम इसका क्या समाधान निकालने जा रहे हैं। 5 साल से तो आपने कुछ करा नहीं, और स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके ये किक एंड स्टार्ट करके जो आप ये काम करते हो इससे तो काम चलने वाला नहीं है। आपको इसका समाधान निकालना पड़ेगा, वो समाधान क्या है, आपका विजन क्या है, उसके अंदर पूरी तरह से खोखलापन नज़र आ रहा है, आज ये आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा विधानसभा की कार्रवाई के दौरान, जो आप कह रहे हैं कि सरकार के दावे और वायदे खोखले हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा विधानसभा के अंदर? इसको हम जोर शोर से उठाएंगे, सारी बात जो है सारी की जो है हमारे सदस्यगण जो हैं वो पूरी तरह से उठाएंगे और सरकार को के सामने लेकर आएंगे कि जो वायदे करे जाते हैं, जो आपने 154 वायदे पहले करे, 260 अब करे और जजपा ने अब जो करे हैं, वो वायदों को आप पूरा कीजिए, क्योंकि वायदों के आसार के ऊपर जो है लोगों ने आपको वोट डाली है। वायदे अगर आप पूरे करने लायक नहीं हैं तो क्या सरकार चलाएंगे? ये जो है वो कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी हमारे साथ ही जो कह रही है कि जो वायदे किए हैं उन वायदों का अब जिक्र जो है वो इस विजन डॉक्यूमेंट में नहीं हो रहा है, और कांग्रेस जो है वो सदन में इस पूरे मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, इस तमाम बातचीत इस तमाम चर्चा के लिए जो कि आपने तुषाराम से विधायक किरण चौधरी से किया है। और किरण चौधरी ने कई सवाल यहाँ पर इस अभिभाषण को लेकर उठाए हैं कि सरकार का जो विजन है वो यहाँ पर क्लियर नहीं है।